यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। भले ही पिया दैविक नहीं है, लेकिन पिया ने वही किया जो एक दैविक को करना चाहिए। आज पिया भले ही दैविक का कर्म नहीं कर सकते, लेकिन दैविक का धर्म जरूर निभा रहे हैं। तुम दैविक हो या सर्पिका, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और ये तुम्हारा प्यार ही है जो हर वक्त मुझे बचा लेता है। भले अब मैं दैविक नहीं हूं, लेकिन अंश को बुराई की तरफ जाने से अभी भी रोक रही हूं। पिया की मदद से वैदेशी का पिघलना तो बंद हो गया, लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि हम वैदेशी को ठीक कैसे कर सकते हैं। फिर उस निशान का मतलब क्या हो सकता है? आप समझ गए ना शेखर जी? नमस्ते पंडित जी। ये तो वही त्रिकोण है। पंडित जी ने कहा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा साल की सबसे लंबी रात का, जिस रात चंद्रमा अपने चरम पे होगा, तभी हम वैदेशी को ठीक कर सकते हैं। भैया, सबसे लंबी रात तो आज है। हाँ, आज रात। हाँ चेताली, क्योंकि आज का दिन सबसे छोटा दिन था, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज की रात सबसे लंबी रात होगी। लेकिन आज रात करना क्या होगा जिससे माँ ठीक हो जाए? पंडित जी ने कहा है अंश की वैदेशी को ठीक करने के उपाय अपने आप हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन भैया, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम तैयारी कैसे करेंगे? अविनाश, क्या करना है ये तो पंडित जी को भी नहीं पता, बस इतना पता है कि जो भी हल होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। सर्पिका मैं हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जहर तुम में है। तुम चाहो तो माँ को एक झटके में ठीक कर सकती हो, लेकिन नहीं कर रही हो। पूरा परिवार माँ को लेकर परेशान है, लेकिन तुम्हें तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। याद रख, बहुएं सास से ऊंची आवाज में बात नहीं किया करती। जब बहु सर्पिका हो तो सास को भी आवाज नीची रखनी चाहिए। भले तुमने सर्पिका होने का फायदा उठा के मुझे अंश को खाते हुए देख लिया, लेकिन वो सिर्फ आधा सच है। पूरा सच कोई नहीं जानता। मेरा असली मकसद कोई नहीं जानता और ना ही जान पाएगा। वो आधा सच तुम्हारी पूरी असलियत अंश के सामने लाने के लिए काफी है। तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपने पति के बारे में सोच। क्या कहा था तूने? सावित्री बनके अपने पति की रक्षा करेगी, यमराज के मुंह से छीन ले आएगी। अब देखते हैं, एक पत्नी जीतती है
या फिर एक टायन 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 मैं तेरे सामने तेरे पति को खा जाऊंगी और तू देखती रह जाएगी। पति की तरफ बढ़े तो पत्नी मौत की कलाई भी मोड़ दे, तुम तो एक डायन हो। मैं मर जाऊंगी लेकिन अंश के ऊपर आज भी नहीं आने दूंगी। डायन से टकराने की हिम्मत तो जुटा लोगे लेकिन कमीनापन कहां से लाओगी? बहुरानी, आपके साथ रह रहकर थोड़ी चाले चलना तो मुझे भी आ गया है सासू माँ। सर्पिका कुछ भी कर ले, एक डायन को कभी नहीं रोक पाएगी। डायन को सर्पिका नहीं, दावंश रोकेगा। जब अंश को तुम्हारी असलियत पता चलेगी वो खुद तुम्हें इस घर से निकाल फेंकेगा। ये तो तारा बन गया है। क्या इसका मतलब सर्प तारा है? पूर्णिमा की रात को सर्प तारे का असर सबसे ज्यादा होता है और आज पूर्णिमा की रात है। भैया चांद निकला है, बहुत जल्दी ये अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। हम और इंतजार नहीं कर सकते अविनाश, हमें हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन भैया हम करेंगे भी तो क्या करेंगे? कुछ तो करना होगा अविनाश। चांद सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने चरम पे होगा और अगर एक बार ये 10 मिनट हमने मिस कर दिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो डर आपको है वो डर हमें भी बहुत सता रहा है पापा, लेकिन फिलहाल हमें कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना होगा। लेकिन बेटा अंश में माँ होती ना तो वो भी यही कहती। ठीक है, अगर और कुछ नहीं कर सकते बेटा तो कम से कम हम तेरी माँ को बाहर तो निकाल सकते हैं ना। हाँ चलिए। हाँ चलो। क्या हुआ? अरे ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। देखो तुम लोग चाहे कितना जोर लगा लो दरवाजा नहीं खुलेगा। छुटकी को ठीक करना तो दूर, तुम लोग उसे बाहर भी निकाल नहीं पाओगे और जब तक बाहर लाओगे बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर छुटकी ठीक नहीं हुई तो पिया अंश को मेरे इरादों के बारे में नहीं बता पाएगी। डैड ने अब तक जो संकेत दिए वो सारे सर्प तारे की ओर इशारा करते हैं, पर सर्प तारा डैड को वापस लाने में कैसे मदद कर सकता है? सावी बेटा मुझे वो तारा दिखाओ। जी पंडित जी आइए। इस पर ये बर्फ कैसे जम गई? पता नहीं पंडित जी, अब तक तो नहीं थी पर पहले भी ऐसा हो चुका है। पूरा कमरा अचानक से ठंडा हो गया था और मेरे सामने बर्फ की दीवार बन गई थी। यदि ठीक कह रही थी, अगर इस वक्त हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ डैड थे। मुझे लगता है कि निशांत जी जो हमें संकेत दे रहे हैं वो अपने लिए नहीं, वेश्री जी को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि इस समय वेश्री जी बर्फ की बनी हुई है। पर अगर ऐसा है भी तो वेश्री आंटी को ठीक कैसे कर सकता है सर्प तारा? हमारे पास अधिक समय नहीं है सावी, चांद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला है, जल्दी करो और सर्प तार लेकर आओ। जी पंडित जी। क्या हुआ विनाश? नहीं खुल रहा है। खुल रहा है? मैं पंडित जी को फोन करता हूँ कि आगे करना क्या है। पंडित जी आप यहाँ? मैं आप ही को फोन लगा रहा था, वैद्यश्री को ठीक करने का कोई उपाय मिला कि नहीं? मिला,
परंतु हमारे पास समय बहुत कम है। वेश्री जी कहाँ है? भाभी अंदर बंद है। और दरवाजा खुल नहीं रहा है। खुल नहीं रहा है तो तोड़ दीजिए। अगर समय निकल गया तो हम वेश्री जी को ठीक नहीं कर पाएंगे। समय बहुत कम है जी। अंश, अंश तुम तो दावंश हो ना, थोड़ा और जोर लगाओ ना। अंश सिर्फ तुम ही हो जो आज इस दरवाजे को खोल सकते हो, कुछ करो। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? जल्द से जल्द वेश्री जी को ऐसी जगह ले जाना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ती हो। अविनाश, अच्छ बेटा जल्दी चलो। अच्छ सबसे पहले तो इस दीवार में कीलें ठोकनी होंगी और फिर सब तार से इसी दीवार पर सर्प तारे की आकृति बनानी होगी। जी पंडित जी। चरम पर पहुंचे हुए पूर्ण चंद्र की चांदनी इस सर्प तारे से होती हुई वेश्री जी पर पड़ेगी और त्रिनेत्र मणि का शाप समाप्त हो जाएगा और वेश्री जी ठीक हो जाएंगी। मुझे लगता है हमें छुटकी को आराम करने देना चाहिए। चलो छुटकी। पिया कहाँ है? मैं यहां हूं। एक
मैंने अंश से वादा किया है कि आज के बाद हमारे बीच कोई राज नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपने असली रूप में आपके सामने आई हूँ। मैं एक सर्पिका हूँ माँ, और यही मेरा असली रूप है। मैं बहुत पहले से जानती थी कि तुम एक सर्पिका हो पिया, और अंश की शादी के दिन पे दिव्या को सर्पिका अवतार में देख लिया था। उसी दिन मैं समझ गई थी तुम दिव्या की पहली संतान हो, इसीलिए कभी ना कभी तुम भी सर्पिका बनोगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अब मैं दैविक नहीं हूं? हमेशा से अंश की शादी दैविक से करवाना चाहती थी, लेकिन अब मैं दैविक नहीं हुआ। ये सच है प्रिया कि मुझे अपने अंश के लिए हमेशा से दैविक की तलाश थी, जो उसे बुराई की ओर जाने से रोक सके, जो उसकी रक्षा कर सके। लेकिन तुम दैविक ना होते हुए भी वही सब कर रही हो जिसकी मुझे दैविक से उम्मीद थी। भले ही तुम्हारे पास दैविक की ताकत नहीं, लेकिन तुम्हारे पास उससे भी बड़ी एक ताकत है, प्यार की ताकत। की ताकत और जब प्यार जिद पर आता है तो दुनिया के सारे जंतर मंतर, जादू टोने टोटके सब पर भारी पड़ जाता है। मुझे तो बहुत गर्व है कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। जो भी बातें करनी है कल कर लेना। चलो छुटकी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। पिया, तुमने अंश से वादा किया है ना कि तुम उससे कोई राज नहीं छुपाओगी, अपने दिल की सारी बातें बताओगी। अपने बारे में तो तुमने उसे सब कुछ बता दी, अब बाकी के राज भी खोल ही दो। राज? कौन सा राज भाभी? I'm sorry अंश, मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब सुन के बहुत बड़ा धक्का लगेगा, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए मैं ये सच तुमसे नहीं छुपा सकती। आप सब ये तो जानते हैं कि मोहना एक एकायन है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि एक एकायन की उम्र 251 साल होती है और मोहना की उम्र 250 साल है। इसका मतलब भाभी डायन एक साल में मरने वाली है। आपने सही कहा चाची, मोहना के पास सिर्फ एक साल बचा है, लेकिन इसके पास एक रास्ता है जिससे ये अपनी उम्र बढ़ा सकती है। अपने दावज बेटे को खाके। ये तुम क्या बोल रही हो पिया?
तुम होश में तो हो? मैं वही बोल रही हूँ अंश, जो सच है। लेकिन तुम ही ने मुझे सच्चाई दिखाई थी ना। मैंने सच दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने डायन वृक्ष को काबू में करके वही दिखाया जो ये दिखाना चाहती थी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं सिर्फ बोल नहीं रही, दिखा भी सकती हूँ। उस दिन मुझे डायन वृक्ष का सहारा लेना पड़ा अंश, क्योंकि तुम नहीं जानते थे मैं एक सर्पिका हूं। लेकिन आज मैं असली सच अपनी आंखों से दिखा सकती हूँ। अपनी अपनी आंखों से मतलब? सर्पिका के पास सर्प दृष्टि होती है, जिसके द्वारा वो जो देखती है वो दूसरों को भी दिखा सकती है। आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी अंश, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जो ये तुम्हारे साथ करने वाली है। इतने सालों बाद वापस लौटी थी। आपको प्यार नहीं लाया था मां, लालच लाया था। कहते हैं सात घर तो डायन भी छोड़ देती है, लेकिन आप तो बहुत बड़ी डायन निकली, जो अपने ही बेटे को खाने चली आई। अगर मेरे साथ ये सब हुआ होता ना, तो मैं तो ये सब देखने से पहले ही मर गई होती। आप दुआ कीजिए कि आपको और कुछ ना देखना पड़ जाए। बस आपने कोशिश तो बहुत की थी कि अंश को आपकी असलियत ना पता चले, लेकिन फिर भी आपका सच अंश के सामने आ गया। नतीजा, सबके विश्वास के साथ साथ आपने अपना बेटा भी खो दिया। अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए ये सब और अपनी बची कुची इज्जत लेके चले जाइए। वैसे भी अब आपकी ज्यादा उम्र तो बची नहीं। सच कहूं ना तो मुझे आपकी असली उम्र जान के बहुत तरस आ रहा है आप पर। कहां आप 250 साल की बूढ़ी डायन और कहां मैं 20-21 साल की जवान सर्पिका। हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वैसे भी इस उम्र में आपको उछल कूद शोभा नहीं देती, कुछ टूट फूट गया तो जुड़ेगा भी नहीं। मेरी मानिए, सुधर जाइए, वरना जिंदगी के आखिरी साल में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरी नहीं, तू अपनी जिंदगी की फिक्र कर, जो अभी खत्म होने वाली है।
तू इस लड़की के लिए अपनी माँ को धक्का दे रहा है? ये लड़की मेरी बीवी है। लड़की नहीं, जहरीली सर्पिका है, जिसने हमारे रिश्ते में जहर घोला है। इसका फन मैं अभी कुचल दूंगी। खबरदार, जो पिया को हाथ भी लगाया तो अब आपने मेरे परिवार में से किसी को भी हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आपने मुझे जन्म दिया है। इससे पहले मैं अपना होश खो बैठूं, चले जाइए यहां से। अभी इसी वक्त। अंश, तू अपनी माँ को घर से निकाल रहा है? आप मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं है, मेरी माँ ये है। अंश, अंश तू ऐसा, चले जाइए यहां से। मैं रूबी। ओह माय गॉड, आपकी आंखें नहीं है फिर भी आपने मुझे पहचान लिया, लेकिन कैसे? मैं तुम्हें भी जानती हूँ और उसे भी जिसके शरीर में तुम रहती हो, और ये भी जानती थी कि तुम यहीं आओगी क्योंकि तुम्हें और कोई पनाह नहीं देगा। राइट, किसी ने मुझे रहने की जगह नहीं थी, सो रूड ना, लेकिन अब मुझे रहने की जगह मिल गई है। सो एक्सक्यूज मी। आगे क्या सोचा है तुमने? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ बाथ, एंड आफ्टर दैट यू नो दिस मेनिक्योर एंड दिस पेडिक्योर। एक्चुअली क्या है ना, आपके विलेज की सड़क इतनी खराब है कि चलते चलते मेरे पैर खराब हो गए इसके ऊपर। मेरा मतलब था, कब तक नमन के शरीर में रहने का इरादा है तुम्हारा, या हमेशा इसी तरह नमन बन के घूमती रहोगी? ह्यूमिडिटी से फॉरएवर? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। कोई भी इस डर्टी बॉडी में कैसे रह सकता है? मैं बहुत जल्दी इससे छुटकारा पा लूंगी, लेकिन उससे पहले आई नीड अ हॉट वाटर बाथ। सो गुड बाय नमन्स मॉम, बाय बाय।
हे भगवान, ये तो अंश लग रहा है। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? अविनाश, अंश तो कल रात को घर पर था। सच जानने का एक ही तरीका है। कल रात को तुम कहां थे अंश? बोलो अंश, कल रात को तुम कहां थे? ओ चाचा जी, कल रात को तो अंश यही थे, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कल रात को एक आदमी सड़क के बीचों बीच चल रहा और उसको बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। उस कार में बैठे हुए लोग, उनमें से 3 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए और एक हॉस्पिटलाइज है, एंड ही इज वेरी सीरियस। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरा इससे क्या कनेक्शन? क्योंकि अंश, उस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वो आदमी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो ये है। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज झूठ नहीं बोल रही, और ऐसा मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है। मैं जानती हूँ, नेहा ने मुझे बताया है, लेकिन उसने मुझे ये भी बताया कि तब जो तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, करने वाला हमेशा कोई और होता था। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन ये बात तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये हादसा कल रात का है और कल रात तुम मेरे साथ थे, जब मैं सोई तब भी और जब मैं उठी तब भी। लेकिन जब तुम सो रही थी तब तुम खुद नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ था या नहीं, और वो सीसीटीवी फुटेज और उस आदमी का बयान जिसने मेरा स्केच बनवाया था, भैया सच यही है जिस आदमी की वजह से एक्सीडेंट हुआ है वो मैं ही था। पिछली बार तुम मेरे हो के भी मेरे हो नहीं पाए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हर डायन वंशी उस डायन वृक्ष के साथ जुड़ा होता है जिसमें उसके पूर्वजों की आत्मा का वास होता है। तुम्हें ये डायन जाल उस डायन वृक्ष की जड़ों में बांधना होगा। इससे अंश हमारे वश में भी आ जाएगा और वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। ये कोई डायन जाल नहीं है, ये वो बंधन है शुकलिप्स, जो हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देगा। No. ये डायन वृक्ष के पास क्या कर रहा था? कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है ये आदमी, लेकिन क्या? इसने लड़कियों वाले जूते क्यों पहने हुए हैं? और इसमें इतनी लचक कब से आ गई? इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अंश, 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 सो जाओ। अंश, अंश सुनो, अंश, अंश रुक जाओ, अंश प्लीज। अंश मेरी बात सुनो, अंश। सावी का फोन है इस वक्त। अंश, हेलो सावी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है दी, कुछ भी हो जाए अंश जीजू को सोने मत देना। सोने मत देना मतलब क्या सावी, क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कर रहा है। लेकिन मॉम तो कह रही थी कि ये नींद में चल के सीधे बाहर आएगा, पर ऐसे तो एंच कुछ आएगा और ये अभी स्वप्न लोक के बस में है तो ये अपने आप को हील भी नहीं कर पाएगा। ये कैसे हुआ? खतरा बहुत बड़ा है। आज तो पिया ने जैसे तैसे अंश को बचा लिया, लेकिन आज जो हुआ वो कल फिर हो सकता है, और उस वक्त पिया अंश के साथ नहीं हुई तो? आपने सही कहा चाची, और इसलिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अंश को खतरा किससे है, वरना हम खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिया, हमें कैसे पता लगा पाएंगे? अपने लोग एक अलग ही लोग हैं, और हम आप लोगों के सवालों का जवाब मेरे पास है। लड़का डायन, बस अमन वही रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दोबारा इस घर में कदम रखने की? अविनाश जी, शेखर जी, ये नमन, पंडित जी आप बीच में कुछ मत बोलिए। मैं देखना चाहती हूं कि ये लोग मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। हेलो वैद्यश्री आंटी, आपने पहचाना? व्हाट द हेल, किसी ने भी नहीं पहचाना। रियली सो सैड। वैसे आप लोग मुझे पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अंश जरूर पहचान लेगा, है ना शुगर लिप्स? तुम यहां हो शुगर लिप्स, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं। रूबी, ये रूबी ही है नमन के शरीर में। हे भगवान, ये डायन फिर से जिंदा हो गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये लंबी कहानी है वैश्री जी। और तब से ये रूबी नमन के शरीर में ही है। इतनी मुश्किल से एक डायन को घर से बाहर निकाला था, दूसरी आ गई। आई नो पिया, मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई होगी। नफरत करती हो ना तुम मुझसे? मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकती हूँ रूबी? तुमने तो अंश की जान बचाई है, अपनी जान को दांव पे लगा के। बल्कि मैं तो तुम्हारी एहसान बंद हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से अंश जिंदा है। लेकिन अंश की लाइफ फिर से खतरे में है, और यही बताने के लिए मैं तुम लोगों के पास आई हूं। तो
हे डायन वृक्ष, तुम पर मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है। मुझे बताओ वो क्या है जो मुझे नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मेरी मॉम और मोहना की पुरानी दुश्मनी है। एक्चुअली मोहना एंच के जरिए अपनी लाइफ लंबी करना चाहती है और मेरी मॉम ऐसे होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो एंच को मोहना से छीन लेना चाहती है। ये तो अच्छी बात है ना, हम भी तो यही चाहते हैं कि अंश मोहना से दूर रहे। लेकिन आपकी थिंकिंग और मेरी मॉम की थिंकिंग में फर्क है आंटी जी। आप एंच की मॉम होकर के सोच रही हैं और मेरी मॉम मोना की दुश्मन। एंच को वो मोना से छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, यहां तक कि अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर सकती है, और उन्होंने किया। और मुझे बहुत देर से पता चला कि मेरी मॉम एंच को मारना चाहती है।